अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बेटा, जो हमने ग्रैंड टेस्ट का पेपर आपको भेजा था उसके एमसीक्यूज में विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व कराने जा रहा हूँ, ठीक है मेरा बच्चा? तो आप सब बच्चे एमसीक्यू का जो पेपर है वो अपने सामने रखें, और जब वीडियो आप देख रहे हो तो अपने साथ नोटबुक भी रख लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई एमसीक्यू कैलकुलेशन वाला हो और आप सोच रहे हो कि यार इसका आंसर ही ऐसे क्यों आएगा कैलकुलेट के करके, तो वो भी आप देख सकें फिर, ठीक है? तो सबसे पहले मैं एमसीक्यू नंबर वन बता रहा हूं मेरा बच्चा। आइए जरा एमसीक्यू नंबर वन देख लेते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स डैश, मैंने बताया था और बाबा ने ही बताया था, हर ट्रांजैक्शन के कम से कम दो अफेक्ट्स होते हैं। बिजनेस, जब हम डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ा रहे थे आपको, यानी हर ट्रांजेक्शन के कम से कम दो अफेक्ट्स होते हैं, उसमें दो अकाउंट होते हैं हर ट्रांजेक्शन के अंदर। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए सबसे बेस्ट है, एटलीस्ट टू अकाउंट, एटलीस्ट टू अकाउंट, ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यू नंबर वन है हमारा, बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट टू अकाउंट, एटलीस्ट टू अकाउंट सबसे बेहतरीन आंसर है, एटलीस्ट टू अकाउंट। अब आ जाओ एमसीक्यू नंबर टू पर। व्हेन ओनर स्टार्ट बिजनेस क्रेडिट टू डैश, जब भी कारोबार स्टार्ट करता है एक मालिक, तो जब भी वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी जो जर्नल एंट्री में चीज आप क्रेडिट करते हैं वो आप करते हैं कैपिटल, क्योंकि कैपिटल हमारी ओनर इक्विटी होती है और इन्वेस्टमेंट से ओनर इक्विटी बढ़ती है, और जब ओनर इक्विटी बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। फिर तीसरे पे आ जाओ, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ, अकाउंटिंग एक कारोबार की लैंग्वेज है, एक बिजनेस की लैंग्वेज है, याद रखना। डेली लाइफ में आप ऐसे बात करते हैं अम्मी अब्बू से, अम्मी मैं डेबिट हो गया, आप क्रेडिट हो जाए, अम्मी खाना मैंने क्रेडिट कर लिया है, मैं खुद डेबिट हो गया, ऐसे तो नहीं हो सकता ना बेटा। तो डेली लाइफ भी नहीं है, स्कूलिंग सिस्टम भी नहीं है, पुलिस मैनेजमेंट भी नहीं है, बिजनेस एंटिटी इज अ करेक्ट आंसर, कारोबार की लैंग्वेज है एक। चौथे पे आ जाए, द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज रेवेन्यू, इनमें से क्या आमदनी है? रेंट रिसीवल आमदनी नहीं है, एसेट है। रिसीवल कोई भी आ जाए, रिसीवल कैश में कन्वर्ट होता है, और ऐसी चीज जो कैश में कन्वर्ट हो जाए वो एसेट होती है, तो ये एसेट है, रेंट रिसीवल रेवेन्यू नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर टू, अनअर्न्ड रेंट, अनअर्न्ड का जुमला लाइबिलिटी होता है, ऐसी इनकम जो कमाई ना हो पर पैसे वसूल कर लियो पहले से, वो अनअर्न्ड आपकी लाइबिलिटी होती है, तो ये भी रेवेन्यू नहीं हो सकता। एडवांस रेंट, आपने एडवांस में रेंट दिया किसी को, ये प्रीपेड है, ये एसेट होता है, ये भी रेवेन्यू नहीं हो सकता। रेंट अर्न्ड, कमा लिया, कोई भी कमाई हो जाए आपकी तो वो आपकी आमदनी होती है, तो रेंट अर्न्ड यहां पर हमारी रेवेन्यू है। अब आ जाओ पांचवे पे, द फॉलोइंग इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को सबसे अच्छी तरीके से क्या इन चारों में डिफाइन किया जा सकता है? ट्रायल बैलेंस वो होता है जिसमें आपकी लेजर के बैलेंसेस की पूरी लिस्ट आती है, यानी लेजर के जितने भी बैलेंसेस होते हैं उन सब की जो लिस्ट होती है, वो स्टेटमेंट जो होती है वो ट्रायल बैलेंस कहलाती है। वरना आप ट्रायल बैलेंस को ये भी बोल सकते हैं, अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ डबल एंट्री बताता है ट्रायल बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट की एक्यूरेसी बताता है। अगर ये वाला आंसर लिखा हुआ हो, ये वाला ना लिखा हुआ हो जो उसका आंसर है, तो फिर आप ये लिख सकते हैं अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ डबल एंट्री, अगर लिखा हुआ हो ऑप्शन में तो। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ, तो ऑप्शन में बेस्ट क्या रहेगा ये जरा पढ़ते हैं। ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ कैश बुक, झूठ बोल रहा है भाई, हटा दो, गलत है। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट ऑफ परचेज जर्नल, बहुत बड़ा झूठ है भाई। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट ऑफ लेजर अकाउंट, बिल्कुल सच बोलता है, लेजर के जो भी अकाउंट होते हैं उसका बैलेंस ट्रायल बैलेंस में जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ट्रायल बैलेंस पांचवे का आंसर है, ट्रायल बैलेंस इज द स्टेटमेंट ऑफ लेजर। छठे पे आ जाओ,
When transaction recorded in both side of cash book, कैश बुक में जो दोनों साइड पर रिकॉर्ड होती है, मैंने तुमसे बोला था ना, जब भी कंट्रा एंट्री होती है, कॉन्ट्रा एंट्री होती है, जब भी कॉन्ट्रा एंट्री होती है तो हम दोनों साइड पर भागते हैं, और उस साइड पर भागते हैं क्यों है हम, क्योंकि उसमें एक ही एंट्री में कैश डेबिट भी हो रहा होता है और बैंक क्रेडिट भी हो रहा होता है, या बैंक डेबिट भी हो रहा होता है या कैश क्रेडिट भी हो रहा होता है, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट या कैश डेबिट बैंक क्रेडिट हो रहा है कैश बुक में, तो समझ जाना कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, और कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर हम कैश बुक के डेबिट में भी कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं एक ही ट्रांजेक्शन में, और क्रेडिट में भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री इसका सही आंसर है। अब आ जाओ 7 पे, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट रिकंसाइल विद डैश। यार ये तो बच्चों वाली बात है, बैंक रिकंसिलेशन के अंदर हम बैंक स्टेटमेंट को कैश बुक के साथ रिकंसाइल कर रहे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बेहतरीन है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट रिकंसाइल विद बैंक स्टेटमेंट विद कैश बुक, ऑप्शन नंबर ए, बैंक स्टेटमेंट विथ कैश बुक। उसके बाद आ जाओ 8 पर, कहता है परचेज जर्नल प्रिपेयर स्पेशली फॉर परचेज एनीथिंग, गलत है, परचेज मर्चेंट एंड कैश, बेकार बात है, परचेज जर्नल में सिर्फ खरीदी हुई मर्चेंडाइज आती है वो भी उधार पर, परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश एंड क्रेडिट, झूठ बोल रहा है, परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट ओनली, डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन, उधार पे खरीदी हुई मर्चेंडाइज आती है, याद रखना परचेज जर्नल में, स्पेशल जर्नल में पढ़ाया था मैंने ये आपको, तो आंसर है इसका डी, परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट ओनली। अब आ जाओ एमसीक्यू नंबर 9 पर, The expense incurred but not paid at the end of the year. मैंने आपको पढ़ाया था expense payable की entry पड़ती है, accrued किसी भी खर्चे को accrued, unpaid, outstanding या payable लिखा हुआ हो तो expense payable की entry बनती है, यानी ऐसा खर्चा जो आपने कर लिया है पर अभी तक उसकी अदायगी नहीं की है, तो साल के एंड में वो आप पे वाजिबुल अदा हो जाती है, तो आप expense payable is a correct answer. One of the following equation is not correct, यानी इनमें से MCQ number 10 के अंदर वो बोल रहा है कि इसमें से एक ऐसी equation है जो सही नहीं है, correct नहीं है, आइए जरा देखते हैं, asset is equals to liability plus owner equity, asset is equals to liability minus owner equity, मुझे लग रहा है ये गलत है, asset is equals to लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी, ये सही है, एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू ओनर इक्विटी, ये भी सही है, मैंने आपको जब इक्वेशन का सॉल्व करवा रहा था तो मैंने बोला था कि ओनर इक्विटी निकालने के लिए एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करो तो ओनर इक्विटी निकल जाएगी, एसेट माइनस ओनर इक्विटी इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी, ये भी सही है, क्या चीज सही नहीं है, एसेट बराबर होता है लाइबिलिटी माइनस ओनर इक्विटी के, ये करेक्ट नहीं है, ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है, उसने यही पूछा है सवाल में, वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट, कौन सी इक्वेशन करेक्ट नहीं है इसमें, इक्वेशन नंबर 1 यानी ए करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर है एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी माइनस ओनर इक्विटी, ये करेक्ट नहीं है, बाकी सब करेक्ट है। सर कैसे, मैंने आपको हेल्पिंग इक्वेशन से सॉल्व भी करवाई थी अकाउंटिंग इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन क्या है, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी, ये भी सही है, और अगर लाइबिलिटी नहीं दिया हुआ है सवाल में, ओनर इक्विटी और एसेट दिया हुआ है तो एसेट में से ओनर इक्विटी माइनस करो तो लाइबिलिटी निकल के आ जाती है, ये भी सही है, और अगर लाइबिलिटी नहीं दी हुई है तो आप असेट में से लाइबिलिटी माइनस करें, लाइबिलिटी नहीं दी हुई अगर तो असेट में से ओनर इक्विटी माइनस करें लाइबिलिटी निकल के आ जाएगी, और अगर ओनर इक्विटी नहीं दी हुई, लाइबिलिटी दी हुई और असेट दिया हुआ है तो असेट में से लाइबिलिटी माइनस करें तो ओनर इक्विटी निकल के आ जाएगी, यानी जो हेल्पिंग इक्वेशन से आपको सॉल्व कराया गया था क्लास में वो सब सही थी, क्या चीज गलत है कि असेट कभी भी बराबर नहीं हो सकता लाइबिलिटी माइनस ओनर इक्विटी के,
कभी भी बराबर नहीं हो सकता। तो उसने बोला गलत वाली इक्वेशन बताओ कौन सी है, ये गलत वाली इक्वेशन है। क्लियर है? एसेट इज इक्वल लायबिलिटी माइनस ओनर इक्विटी। अब आ जाओ इलेवेंथ वाले पे, परचेज अकाउंट यूज इन जर्नल फॉर द परचेज ऑफ मर्चेंडाइज। जब भी मर्चेंडाइज आप खरीदते हैं तो परचेजेस के नाम से लिखते हैं। तो इलेवेंथ वाले का आंसर है हमारा मर्चेंडाइज एंड गुड्स। गुड्स भी बोल सकते हैं, मर्चेंडाइज भी बोल सकते हैं। मर्चेंडाइज जब भी आप खरीदते हैं परचेज के नाम से लिखते हैं। व्हेन ओनर विथड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, जब भी मालिक जाती इस्तेमाल के लिए इदारे से कोई भी असेट निकालता है तो आप किस चीज को डेबिट करते हैं? ड्रॉइंग को डेबिट करते हैं ना मेरा बच्चा, तो ड्रॉइंग आपका करेक्ट आंसर है। उस पे आ जाओ, उसके बाद आ जाओ आप थर्टीन पर आ जाओ। आप कहते हैं व्हेन इनकम स्टेटमेंट शो अ नेट लॉस, नेट लॉस हुआ है 60,000 रुपए का। लॉस हमेशा नेगेटिव में होता है। जब मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट सॉल्व करवाया था तो आपको लॉस हमेशा नेगेटिव में शो हो रहा होता है। लॉस हमेशा नेगेटिव में होता है, कोई भी लॉस हो, ग्रॉस लॉस हो या नेट लॉस हो, हमेशा लॉस नेगेटिव को इंडिकेट कर रहा होता है। तो बोलता है कि इनकम स्टेटमेंट में अगर लॉस हो जाए आपको 60,000 का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस 260,000 हो, मिला के लिखा हुआ है 260,000 हो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी एक्सपेंस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी एक्सपेंस ही है, दोनों एक्सपेंस ही होते हैं आपके। तो नेट सेल्स बताओ क्या होगी? तो आइए जरा एक इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेते हैं इसको। आमतौर पर नेट लॉस या प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स, ये मैं कैलकुलेट करा रहा हूं, तो कैलकुलेशन देख लो क्या होगी इसकी। नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि खर्चे हमेशा ये आमदनी होती है ना, नेट सेल्स आमदनी, आमदनी में से टके टके के खर्चे माइनस कर दो, चाहे वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला खर्चा हो या ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाला खर्चा हो, तो आपका नेट लॉस या नेट प्रॉफिट आता है। अब जो चीजें हमें दी हुई है उसको हम इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं, रिवर्स वर्किंग करेंगे क्योंकि हमें नेट सेल्स निकालना है। अब रिवर्स वर्किंग कैसे करेंगे आइए जरा देख लेते हैं। नेट सेल्स नहीं दिया हुआ, इसको हम एक्स कंसिडर कर लेते हैं, माइनस का साइन ऐसे आते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों एक ही दिए हुए हैं एमसीक्यू में, और ये दोनों लेस ही होते हैं, तो मैंने यहाँ पे लेस का साइन लिखा हुआ है। ये है हमारा सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिला के दिए हुए 260,000। तो मैंने भी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्लैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू, या तो प्रॉफिट आता है या तो लॉस आता है, लेकिन उसने यहाँ पे लॉस निकाल के दे दिया है, इज इक्वल्स टू नेट लॉस। नेट लॉस दिया हुआ है, माइनस में लिखूंगा मैं, लॉस हमेशा नेगेटिव में होता है, अभी बताई थी बात 60,000। अब जिस चीज को मालूम करना है उसको तन्हा छोड़ दो भाई, ये सब यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये सब यहाँ पे प्लस हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, जो यहाँ पे माइनस हो रहा है उसको यहाँ पे प्लस कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा मेरा बच्चा। आइए जरा देख लेते हैं, तो इक्वेशन ऐसे बनाते हैं, एक्स हमारा नेट सेल्स है इक्वल्स टू, गौर से देखना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस में यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ प्लस हो जाएगा 260,000। नेट लॉस हमारा इक्वल्स टू के साइड पर ही था तो माइनस में कर देंगे, ये जो यहाँ पे प्लस हो रहा है वहां जाके माइनस हो जाएगा, और सिर्फ एक ही चीज वहां पे जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस। 260,000 यहाँ था, मैंने इक्वल्स टू के साइड पे भेज दिया, तो आंसर आपका आएगा 260,000, सॉरी ये 60,000 यहाँ पर है, ये माइनस है वहां जाके हो जाएगा प्लस, 260,000 यहाँ प्लस हो गया। मैथ्स है, मैथ्स अप्लाई करो मेरा बच्चा, माइनस प्लस माइनस साइन हमेशा बढ़ेगा आएगा, माइनस प्लस माइनस साइन हमेशा बढ़ेगा आएगा, कर लो जरा, माइनस का 60,000 प्लस 260,000, ये आंसर आ गया 200,000। तो आपकी जो नेट सेल्स है वो आ गई 200,000, जरा चेक करो, 200,000 का ऑप्शन है, एक्स मतलब नेट सेल्स, 200,000 रुपए आपकी नेट सेल्स है। तो यहां पर आप लिख दो नेट सेल्स आपकी आ गई 200,000, और जरा चेक कर लो ऑप्शन में 200,000 है,
2 लाख में 2 लाख ऑप्शन है, एक कुछ भी कर सकते हैं आप, इसको यहां लिखे हैं यहां लिखे एक ही बात है, पर जो इस साइड पर माइनस हो रहा है वहां जाके प्लस कर दो, इक्वेशन बना लो ना दिमाग में, इक्वेशन बना लो भाई सीधी तरीके से, नेट लॉस या प्रॉफिट कैसे निकलता है, नेट सेल से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो, तो अगर आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो नेट प्रॉफिट होता है, नेगेटिव में आ रहा है तो लॉस होता है। यहाँ पर उसने खुद लॉस निकाल के दिया वैसा आपको 60,000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नेगेटिव में 60,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 2,60,000, माइनस होता है हमेशा नेट सेल से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो आपने यहाँ पर उसको लिख दिया। एक्स हमारा नेट सेल है जो हमें फाइंड आउट करना है, बिल्कुल अलजबरा की तरह सॉल्व हो रहा है ये, जिस चीज को मालूम करना है उसको तनहा छोड़ दो, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ माइनस हो रहा है वहां जाके प्लस हो जाएगा, मैंने इक्वेशन बनाई, माइनस का 60,000 जो इधर ही था ये माइनस में था वहां जाके प्लस हो गया, मैंने यहाँ पे प्लस कर साइन लिख दिया, माइनस प्लस माइनस साइन बढ़ेगा आएगा, 2 लाख पॉजिटिव का आ रहा है, नेट सेल का आंसर 2 लाख आ गया। अगर कभी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ा करे तो साइड में कैलकुलेट कर लिया करो, लेकिन एमसीक्यू वाली जगह पे मत करना, सही है मेरा बच्चा, ये मैंने समझाने के लिए बताया। तो 2,13 वाले का आंसर 2 लाख है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, 14 पर आ जाएं अब। फोर्टीन कहता है अलाउंसेस फॉर बैड डेट और अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन आर द आइटम ऑफ बैलेंस शीट। जिंदगी हो गई, गुजार दी जिंदगी। अलाउंसेस फॉर बैड डेट को तुम अकाउंट रिसीवेबल से बैलेंस शीट में माइनस करते थे, हाँ, तो इसका मतलब अलाउंसेस फॉर बैड डेट बैलेंस शीट का आइटम है। दूसरी बात, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन को तुम बैलेंस शीट के अंदर जो फिक्स असेट होता है उसमें से माइनस करते हो, तो इसका मतलब अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन भी बैलेंस शीट का आइटम है। ये दोनों बैलेंस शीट के आइटम है, तो द करेक्ट आंसर इज बैलेंस शीट। तो 14 वाले का आंसर है आपका बैलेंस शीट, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन और अलाउंसेस फॉर बैड डेट, याद रखना बैलेंस शीट में जाते हैं, बैड डेट एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक्सपेंस की बात कर रहा हूं, ये इनकम स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आते हैं, वो एक्सपेंस की बात ही नहीं कर रहा, वो अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन अलाउंसेस फॉर बैड डेट की बात कर रहा है, वो बैलेंस शीट में आते हैं। बैड डेट जो है वो अकाउंट रिसीवेबल से माइनस होता है और डेप्रिसिएशन जो है वो फिक्स असेट से माइनस होता है, लेकिन जमीन वाले फिक्स असेट पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, तो उस पे कुछ भी मत करना, उसकी वैल्यू जमीन की एज इट इज लिख देना उठा के फिक्स असेट में, लैंड कैन नॉट बी डेप्रिशिएटेड, याद रखना इस बात को, क्लियर है। बैलेंस शीट, चलो 15 पर आ जाओ। 15 में लिखा हुआ है When organization prepare book for small and little expenses, छोटे मोटे खर्चों के लिए petty cash की book बनाई जाती है मेरा बच्चा, तो petty cash का answer है, petty cash book। अब आ जाओ 16 पर। 16 में कहता है journal, journal is also known as books of original entry, यार definition में पढ़ाई थी ये बात, books of original entry। अच्छा आप मेरी बात जरा गौर से सुनना, अगर लिखा हुआ हो ना ये वाला ऑप्शन ना हो, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री वाला ऑप्शन ना हो, लिखा हुआ हो बुक्स ऑफ प्राइम, तो याद रखना बुक्स ऑफ प्राइम पे टिक मारना, सही है, प्राइम बुक्स भी होती हैं, सही है, अगर ये ऑप्शन ना दिया हो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, वरना सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। उसके बाद लिखा हुआ है 17 वाले पे, The following is not a current liability. कौन सी liability है जो कि current liability नहीं है? अब मैं जरा तुम्हें दोनों के बारे में बता देता हूँ। एक होती है current liability, एक होती है non-current liability. Current liability हमारी वो liability होती है जिस कर्जे की अदायगी आप एक साल के अंदर अंदर करते हो, और non-current liability आपकी वो liability होती है जिसकी अदायगी आप एक साल से ज्यादा अरसे में करते हो। जैसे बैंक से आपने लोन लिया 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, तो मुझे बताओ क्या इसकी अदायगी 1 साल से ऊपर के अरसे में हो रही है? हाँ, तो ये नॉन करंट लायबिलिटी है। 1 साल के अंदर अगर लायबिलिटी पे कर रहे हो तो करंट लायबिलिटी है, 1 साल से ज्यादा अरसे में पे कर रहे हो अगर, तो फिर ये नॉन करंट लायबिलिटी है। तो अब जरा चेक करके बताते हैं कि इसमें
कौन सी लाइबिलिटी करंट नहीं है, यानी नॉन करंट लाइबिलिटी कौन सी है। अगर वो ये बोल रहा है कि बताओ कौन सी लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी नहीं है, तो उसका मतलब है ये है कि वो पूछ रहा है कि नॉन करंट लाइबिलिटी कौन सी है। अब नॉन करंट लाइबिलिटी की मैं थोड़ी सी आपको बातें बताता हूं। डिबेंचर नॉन करंट लाइबिलिटी है, डिबेंचर नॉन करंट लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लोन नॉन करंट लाइबिलिटी है, आपके बैंक से लोन लिया है आपने 4 साल 5 साल के लिए, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, आपने 5 साल के लिए गाड़ी किस्तों पे लिए, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। यानी कोई भी कर्जा, डिबेंचर हो गया, आपका मॉर्गेज हो गया, मॉर्गेज पेबल, ये आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। तो आइए जरा देखते हैं कि नॉन करंट लाइबिलिटी को नॉन करंट लाइबिलिटी को लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लोन भी कहते हैं। तो आइए जरा, अगर वो बोल रहा है कि मुझे ये बताओ कि इन सब में से करंट लाइबिलिटी कौन सी नहीं है, नहीं है करंट लाइबिलिटी का मतलब है कि वो पूछ रहा है आपसे कि नॉन करंट लाइबिलिटी कौन सी है। तो आइए जरा देखते हैं। The following is not a current liability. यानी इसमें से कौन से ऐसे नाम है जो current liability नहीं है? Account payable current liability है, bank overdraft current liability है, salary payable current liability है, इन सब की अदायगी एक साल के अंदर अंदर होती है। पीछे बचा debenture और mortgage payable, ये long term loan है यानी non current liability है, ये current liability नहीं है, current liability नहीं है, current liability नहीं है। उसने यही पूछा है इनमें से कौन सी लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी नहीं है, तो ये डिबेंचर और मॉर्गेज पेबल आपकी करंट लाइबिलिटी नहीं है। तो 17वें का आंसर है, यानी 17 का आंसर है डिबेंचर एंड मॉर्गेज पेबल। अब आ जाओ 18 पर। कहता है परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश, जो चीज कैश पे खरीदी हुई है बताओ जरा इनमें से क्या सूट कर रहा है उस पे। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, दिमाग खराब है क्या, उधार पे थोड़ी खरीदा है, कैश ट्रांजैक्शन। हाँ सर, कैश ट्रांजैक्शन। उसके बाद 19 पे बोलता है वो, व्हेन एक्सपेंसेस एक्सीड फ्रॉम रेवेन्यू, जब खर्चे ज्यादा हो जाए आमदनी से तो नुकसान होता है, लॉस होता है। ये देखो रेवेन्यू है हमारा 2 लाख और एक्सपेंस है हमारा, एक एग्जांपल दे रहा हूं कॉमन सी, 2.5 लाख। मुझे बताओ एक्सपेंस ज्यादा है रेवेन्यू से? हाँ सर, एक्सपेंस है 2.5 लाख और रेवेन्यू है 2 लाख। जब एक्सपेंस ज्यादा हो रेवेन्यू से तो आंसर नेगेटिव में आएगा और नेगेटिव का मतलब है हमारा लॉस, 50,000 का लॉस आ रहा है तो आंसर आएगा लॉस, नेट लॉस। उसके बाद लिखा हुआ है 20th वाली, मैचिंग प्रिंसिपल इज यूज एज अ टाइम ऑफ मेकिंग एडजस्टिंग एंट्री। अब सुन लो ये मैचिंग प्रिंसिपल होता क्या है। मैचिंग प्रिंसिपल मतलब है कि जिस साल तुम अकाउंटिंग कर रहे हो उसी साल की आमदनियों को और उसी साल के खर्चों को आपस में माइनस करवाओ, आने वाले साल के एक्सपेंसेस से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, गुजरे हुए एक्सपेंसेस से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, आने वाली रेवेन्यू से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, गुजरे हुए रेवेन्यू से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। सर एग्जांपल दे देंगे, मिसाल के तौर पे तुम 2010 के अकाउंटेंट हो, तुम 2010 में अकाउंटिंग कर रहे हो, ये तुम हो, तुम 2010 की अकाउंटिंग कर रहे हो। अब जो खर्चे 2010 के हो मुझे सिर्फ उससे मतलब है, और जो 2010 के रेवेन्यू मुझे इन दोनों को आपस में मैच करवाना है। मुझे 2009 के खर्चों से कोई ताल्लुक नहीं है और 2011 के खर्चों से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैं अकाउंटिंग 2010 की कर रहा हूं। तो अगर मैं 2010 की अकाउंटिंग कर रहा हूं तो 2010 के खर्चे और 2010 की आमदनियों से मुझे मतलब है ना। तो मैचिंग प्रिंसिपल याद रखना यह बताता है कि जिस साल की तुम अकाउंटिंग कर रहे हो उसी साल के खर्चे और उसी साल की आमदनी को आपस में मैच करोगे। ये मैं
फर्स्ट ईयर के बच्चे को सिर्फ एक सरसरी तौर पे बता रहा हूं, डिटेल नहीं बता रहा। तो जब आप एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं तो साल के एंड में आपको कुछ खर्चे ऐसे नजर आते हैं जो आपको शुरू में नहीं पता होता। तो जब आप एडजस्टिंग एंट्री बना रहे होते हैं तो आपको वो तमाम के तमाम खर्चे रिकॉर्ड करने होते हैं और तमाम की तमाम आमदनी रिकॉर्ड करनी होती है, जिसको इसी साल कमाया जाए या इसी साल गवाया गया हो, यानी इसी साल वो इनकम हुई हो और इसी साल जो है वो आपके खर्चे हुए हो। तो आप जब मैचिंग प्रिंसिपल के मुताबिक जो आप एंट्री बनाते हैं साल के एंड में, वो आप एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं ताकि आप सारे खर्चों को और सारी आमदनी को आपस में एडजस्ट कर सकें। क्लियर है मेरा बच्चा? अब सैलरी एक्सपेंस हुआ है, अब वो एक्सपेंस हुआ है, भले उसकी पेमेंट बाद में हो लेकिन एक्सपेंस इस साल का है ना, तो मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है इस साल के खर्चे को रिकॉर्ड तो करना है। तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेबल क्रेडिट आप एंट्री बनाते हो। अगर कोई इनकम हो गई और आपने वसूल नहीं की है तो आप एंट्री बनाते हो कमीशन रिसीवल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट। अब वसूल नहीं हुई है लेकिन इनकम रिकॉर्ड हो रही है, तो मैचिंग प्रिंसिपल यही तो बोलता है जिस साल का खर्चा है और जिस साल की आमदनी है उसको रिकॉर्ड करो, और वो एडजस्टिंग एंट्री मदद करती है साल के एंड में आपकी। क्लियर है? तो मैचिंग प्रिंसिपल के मुताबिक एडजस्टिंग एंट्री आपके जिस साल के भी खर्चे हों और जिस साल की भी आमदनी हो वो क्रिएट करके दे देती है आपको। क्लियर है मेरा बच्चा? तो एडजस्टिंग एंट्री इज अ करेक्ट आंसर। क्योंकि साल के एंड में आप एडजस्टिंग एंट्री बना रहे होते हैं तो उस एडजस्टिंग एंट्री में बहुत सारे खर्चे जो हमें नजर नहीं आते वो मिल जाते हैं हमें, और बहुत सारी आमदनियां जो हमें नजर नहीं आ रही थी वो मिल जाती है। अब आ जाओ 21 पर। है हमारा A short explanation, एक छोटी explanation of business transaction की narration कहलाती है। आपने हर entry के अंदर जो भी छोटी सी explanation लिखी होती है, जो आप entry में debit credit करते हो, वो आप उसके बारे में थोड़ा सा short explanation देते हो, छोटी सी मुख्तसर सी explanation देते हो, वो narration कहलाती है। तो narration is the correct answer। A span for which a business generally prepares a financial statement, वो अरसा जिसमें कारोबार हिसाब किताब कर रहा होता है वो अकाउंटिंग ईयर या अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। तो आंसर होगा हमारा अकाउंटिंग ईयर या अकाउंटिंग पीरियड। 22 वाली पे आ गया हूं मैं, अकाउंटिंग या अकाउंटिंग ईयर। अब इधर आ जाओ 23 पे है, द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट अफेक्टेड ऑन द बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में क्या चीज नहीं आती? आउटस्टैंडिंग चेक, ये तो आता है, कैश बैंक स्टेटमेंट से लेस होता है तो ये तो आता है। परचेज मशीन ऑन कैश, ये नहीं आता। मिल गया आंसर हमें, ये नहीं आता, ये नहीं आता। परचेज आपने की है मशीन कैश पर, एंट्री बनी होगी मशीन डेबिट कैश क्रेडिट। बैंक रिकंसिलेशन में तो हम बैंक के मामलात को निपटाते हैं, ये तो कैश पे खरीदा है आपने, बैंक का तो ताल्लुक ही नहीं है इससे कोई, तो ये वाली एंट्री नहीं आएगी, ये वाली चीज नहीं आएगी, परचेज मशीन ऑन कैश नहीं आएगा। आंसर बी है। 22 अनक्लियर चेक बैंक स्टेटमेंट में ऐड होता है, बैंक क्रेडिट इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट दिया है कैश बुक में ऐड होता है ये, तो ये तो सब रिकंसिलेशन में आता है, लेकिन ये जो बी वाली है परचेज मशीन ऑन कैश, ये नहीं आती रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में। तो द करेक्ट आंसर इज परचेज मशीन ऑन कैश, क्योंकि उसने लिखा हुआ है कौन सी चीज अफेक्ट नहीं करती बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में, परचेज मशीन ऑन कैश अफेक्ट नहीं करेगी। 24 पर आ जाओ अब। सॉरी 23 है हमारी, 23 हमारा दूसरा है, मैं चेंज कर देता हूं। 23 में आंसर है द कैपिटल अकाउंट इज नॉट अफेक्टेड। कैपिटल
से किस पे फर्क नहीं पड़ता। आइए जरा देखते हैं, ड्रॉइंग से पड़ता है, कैपिटल कम होता है, लॉस प्रॉफिट से भी फर्क पड़ता है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट से भी फर्क पड़ता है, लेकिन अगर आप फर्नीचर खरीदते हैं क्रेडिट पे तो कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंट्री भी बना लेते हैं, परचेज फर्नीचर डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर है 23 वाले का, मैंने 23 वाले गलत लिख दिया था, 23 वाले का आंसर है हमारा परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। तेईस वाले का आंसर है परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। 24 में आप